सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल मंडी यूट्यूब चैनल। सो ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप स्नैपचैट या किसी और ऐप में कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड विदाउट और कोई भी एरर। ठीक है गाइस, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मैक्स प्लेयर में कोई भी लाइव देखते हैं या जियो टीवी पे देखते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो इस वीडियो के बाद आप वो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और ना ही सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है गाइस। तो उससे पहले आपका जो डिवाइस है वो रूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो रूटेड होने के बाद आपके जो फ़ोन में है वो एक्सपोर्ट मॉडल इंस्टॉल होना चाहिए, फ्रेमवेयर इंस्टॉल होना चाहिए एक्सपोर्ट मॉडल का, ठीक है गाइस। तो अगर आपके फ़ोन में एक्सपोर्ट जे वाले एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। यहाँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, चलिए इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको जे वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता आप इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा पॉपअप होता, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं से देख सकते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको चलिए ओपन कर लेना है सिंपल आपको, ठीक है गाइस। तो वो वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे साइड पे लेफ्ट साइड पे ऊपर तीन लाइन है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डिसेबल, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं डिसेबल और उसके साथ लिखना है स्पेस देके फ्लैग। जैसे आप फ्लैग लिखेंगे तो आपको जे वाला यहाँ पे फ्लैग्स को सोर्स का आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको जे वाला मॉडल जो है वो इंस्टॉल करना है। तो जे मॉडल काम क्या करता है, तो जे वही फ्लैग को डिसेबल करता है। जैसे कि आप टेलीग्राम या कहीं और पर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो सामने वाले को नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ अगर आप जियो अमेज़ॉन प्राइम यूज़ करते हैं तो वहीं पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये सारे ऐप में वो चीज़ डिसेबल कर देता है, किसी भी ऐप में यूज़ ले सकते इसका स्क्रीन शॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के लिए, ठीक है। तो इसको अभी इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल ऊपर लिखा हुआ है ना गाइज, बीच में वर्जन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एक साइड पे और वर्जन और सेटिंग्स लिखा है। तो आपको वर्जन्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है तो ये डाउनलोड होगा, ठीक है गाइज। तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है गाइज। तो ये डाउनलोड होने के लिए डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शन आएगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है गाइज। देन ये वाला ऑप्शन है जो अलाउ कर देना है, ठीक है, अलाउ फ्रॉम द सोर्स वाला, ठीक है। इसको अलाउ करने के बाद सिंपल बैक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो क्योंकि ये डिसेबल करेगा उस फाइल को सीधा, आपको इसको ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको डिसेबल कर देता है। उसके बाद सिंपल कर देना है डन, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आ जाना बैक, ठीक है। चलिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबा के आप बैक आ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इसको ओपन करना है, देन तीन लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद जाना है मॉडल्स पे, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर या मॉडल्स, मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वो लास्ट पे आपको वो मॉडल दिखाई देगा, ठीक है। इसको अनेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है उस वार्निंग दिया है, तब भी एक्टिवेट होगा जब आप अपने फ़ोन का आप रिस्टार्ट करेंगे यानी कि रीबूट करेंगे। ऊपर आपको जो मॉडल दिखाई देगा जहाँ से आप, जहाँ पे भी लिखा हुआ है भी, अगर आप इसको एक्टिवेट या रीबूट करेंगे तो तभी ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल वहाँ पर क्लिक कर देना है और फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप कहीं से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी जो मेरा मॉडल है, ठीक है गाइस, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, तो अभी हम फ़ोन को रीबूट करेंगे, तो उससे पहले मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट किया है, तो अभी चलिए पहले देख लेते हैं वो मॉडल पे वहाँ पे टिक लगा हुआ है या नहीं। तो जाना है मॉडल्स पे, ठीक है गाइस, जहाँ पे अगर आपको अनेबल दिखा रहा है तो सही है, अगर नहीं दिखा रहा तो आपको सिंपल यहाँ से अनेबल करके फ़ोन को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडल मेरा अनेबल है, ठीक है गाइस। अभी तो अभी चलिए चेक करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले पाता है या नहीं। तो उसके बाद सिंपल आपको जाना है कोई भी ऐप जिसमें आपका स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था उस पे जाना है, ठीक है गाइस। आपको जहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पा रहे थे उस ऐप में जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैक्स प्लेयर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियोज़ पे नीचे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो मूवीज़ या से कोई भी आ रही है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ प्ले करते हैं मूवीज या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप नहीं ले पाते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ मैं आपको, ले पाता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखिए इसने जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर कर लिया है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं गाइस। तो
यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट है जो इसने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप गाइस यार वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए भी। तो गाइस अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।